श्री राम भक्त हनुमान सेवा सोसाइटी की तरफ से अमृतसर के लोहगढ़ स्थित राधा वल्लभ मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रों के अवसर पर राघव सेठ की अगुवाई में श्री हनुमान जी की वानर सेना ने हवन किया और श्री हनुमान जी की पूजा की। दुशहरे वाले दिन तक सुबह और शाम श्री हनुमान जी की वानर सेना श्री दुर्गयाना मंदिर स्थित श्री हनुमान जी बड़ा मंदिर में माथा टेक कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में झांकियाँ निकालेंगे। राम भक्त हनुमान सेवा सोसाइटी की ओर से सारे शहर वासियों को शरद नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह पिछले 12 साल की तरह इस साल भी वानर सेना का आयोजन लोहगढ़ राधा वल्लभ मंदिर से किया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सुबह हवन यज्ञ के साथ पूजा की गई है, जनेऊ डालकर ब्रह्मचार्य का पालन और नियम शुरू कर दिए गए हैं और उसके उपरांत अब शाम को वानर सेना के बाने डालने के उपरांत हनुमान मंदिर में नमस्तिक हुआ जाएगा और इसी प्रकार 10 दिन ऐसे ही चलता रहेगा। सुबह लाल वस्त्रों में नमस्तक होंगे हनुमान जी के आगे और शाम को वानर सेना का बाना डालकर जाएंगे और दशहरे तक ऐसे ही नियम किए जाएंगे और दशहरे से अगले दिन राम तीर्थ में बाना को विश्राम दिया जाएगा और उसके उपरांत इस जो आयोजन है जो 10 दिन का उसको परिपूर्ण विश्राम दिया जाएगा। असी ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से यह दसना चाहते हैं कि ये बजरंगी सेना बनन दे नाल नाल अपने आप से एक नियम भी है लागू करो कि इस नशे तो और हर बुरी आदत दूर रहिए। जिसे हनुमान जी महाराज पूजा अर्चना दे एक पुजारी सी उस तरह ही पूजा अर्चना वाल ध्यान दिए और बजरंगी सेना बनाने का साडा मकसद यही होंदा है कि नवयुवक अज दे जो गलत राह ते चल पई है वो सनातन धरना और परमात्मा की भक्ति दे नाल जुड़े। और राधा वल्लभ मंदिर में पूजा के समय डॉक्टर वनीत सरीन, राजन, अरुण, डिंपल और काफ़ी गिनती में श्री हनुमान जी की वानर सेना मौजूद थी।